देखिए, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण बिना किसी दोष के पिछले वर्ष एक साल पहले, दो चार दिन पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा को सुसाइड करना पड़ा बिना किसी गलती के, डिलीवरी के टाइम पे हर कोई जानता है, बल्कि अपने राजस्थान में तो ये भी कहावत है कि डिलीवरी के टाइम पे नई जिंदगी मिलती है, और उसमें डॉक्टर की कोई गलती न होने के बाद भी उनके ऊपर ऐसी धाराओं में उनके ऊपर लगाया गया केस कि उनको सुसाइड करना पड़ा। तो वो स्थिति जो पिछले वर्ष हुई थी एक साल पहले, वो स्थिति RTI कानून लाके ऐसा कर रही है कि चिकित्सक लोग किसी भी को मरीज को ये कह के कि उसके पास चाहे कुछ भी हो या नहीं हो, उसको कोई इमरजेंसी नहीं हो, इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। आज अगर आपके सिर में दर्द भी हो रहा है तो आप कहोगे साहब रात को 12 बजे उठ के अगर आ रहे हो तो आपके लिए तो इमरजेंसी है, तो कि उसका इलाज करना है आपके, अगर ये नहीं है कि साहब आपके पास रेफर कर रहे हो तो आपके पास चाहे कोई साधन भी नहीं हो, आपको अपने हाथ एम्बुलेंस देनी पड़ेगी या प्राइवेट गाड़ी करके उसको आगे भेजना है, तो ये सब चीजें बिना किसी पेमेंट के करनी है तो चिकित्सा व्यवसाय नहीं चल पाएगा। और इसमें फिर तो यह है कि या तो जो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो जो मरीजों के हित में नहीं होगा। चुनाव होने वाले हैं सिर्फ उसके कारण है, नहीं तो अगर ये, चूंकि ये 5 साल पहले कह रहे हैं हमारे उसमें था, हमारे उसमें सब मेमोरेंडम में था, तो आज तक क्यों नहीं लागू किया? 4.25 साल बाद होने के बाद क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमने इसको लिखा था वोटों के लिए, आज हम इस चीज को पूरी करने के लिए ये कर रहे हैं। अगर लागू करना था या सही मंशा होती सरकार की तो 5 साल पहले लागू करती, एक बजट बनाती कि जो RTH में इमरजेंसी में मरीज आएगा उसका पेमेंट कहाँ से होगा। इनके पास कोई बजट नहीं है, कोई इमरजेंसी की डेफिनेशन नहीं है, कोई हॉस्पिटलों के लिए सुरक्षा नहीं है। अगर ये बिल इसी तरीके से लागू हुआ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगले एक साल में पेरिफेरी में चिकित्सा सुविधा 50% रह जाएगी। ये आप नोट कर लेना, वो सरकार की इच्छा है। जब हमको एक साल बाद हॉस्पिटल बंद करना है तो अभी बंद कर देंगे, हम अपना दूसरा धंधा चुन लेंगे या दूसरे स्टेट्स में चले जाएंगे। अगर सरकार अड़ी गए, सरकार चाहती है कि डॉक्टर्स काम ही नहीं करें, तो कोई बात नहीं, हम बंद करके चले जाएंगे। चिकित्सा मंत्री से मेरा एक ही कहना है, मरे हुओं को क्या मारोगे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमने तो सोच रखा हम मरेंगे, तो मारो जितना मार सकते हो मारो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, राजस्थान की आने वाली प्रजा उनको कभी माफ नहीं करेगी जो उन्होंने आज हालात पैदा कर दिए। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।